अल्मोड़ा में एजुकेशन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संगठन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही पुरानी पेंशन बहाली सहित वेतन विसंगति और प्रमोशन नीति को लेकर सरकार से मांग की गई। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। ये हमारा 10वां द्विवार्षिक अधिवेशन है, तो इसमें कार्यकारिणी का गठन हुए होना है। मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वर्तमान में ऐसी स्थिति होगी हम कर्मचारियों की, जो हमको मिल रहा था उसको ही छीन लिया जा रहा है। कोई हम नई मांग नहीं कर रहे, जैसे पुरानी पेंशन की बहाली करना है, और शिथिलीकरण जो पहले से था वो अगर वो उसको भी हटा दिया गया है, केवल 30 जून तक रखा था, और उसकी हम ये कह रहे हैं कि शिथिलीकरण और पुरानी पेंशन, और जो हमारे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजपत्रित पद हैं उनको गृह जनपद से जो है बाहर भेजा जा रहा है।